मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की सनावत तहसील में 24 घंटे में मानधाता पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाया, जिसमें मानधाता पुलिस की सीसीटीवी फुटेज ने तीसरी आंख की भूमिका अदा की। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ में लगी है। ओमकारेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोरुड़का चौकी के पास नहर में अज्ञात 26 वर्षीय युवक का शव 17 सितंबर को पुलिस ने बरामद किया था। थाना मानधाता पुलिस प्रभारी जगदीश पाटीदार ने बताया कि बड़वाह निवासी राहुल उर्फ दगड़ू भवानी राम को बड़खा के ही दीपक पिता गोपाल तंवर और उसके अन्य साथियों को मानधाता पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि दीपक तंवर और मृतक राहुल का विवाद चल रहा था, रंजिश के चलते यह हत्या की गई है। दीपक ने बताया, हम मृतक को समझा रहे थे, इस दौरान उसने चाकुओं से हमला कर दिया। बीच बचाव में अगर मैं अपनी रक्षा नहीं करता तो मुझे मार डालता। राहुल को चाकुओं से गोद कर हत्या करने के बाद एक वर्ल्ड एट नहर में फेंक कर फरार हो गए थे। सनावत से प्रभु दोगाया की रिपोर्ट। उधर रखी हुई है तो इसको नहर तरफ लेके गए तो साहब इससे बस पूछताछ कर रहे थे, इतने में तुमने चाकू निकाला और मारना शुरू कर दिया तो मेरे को अंगली पे लग गई थी। तो साहब फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ, उसका चाकू निकाला और उसको फिर बस खोजते गए, बाकी सब उसको चाकू उसको खोजते रहे और उसको फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? नहर पर। और कौन था साथ में? साथ में और कोई नहीं था, फेंकने में नहीं। वहाँ से जो झगड़े हुए थे वहाँ कहाँ पे? इधर जो कैमरे में दिख रहा है तुम लोग। कैमरे में नहीं था सर, पता लगा था भाई वो दगड़ू तो बोले तेरी गाड़ी बता रही आएगा, बोले वहाँ नहर पे, तो बोले तू भी आ जा। तो तीन तीन मोटरसाइकिलों से जब ढूंढ रहे थे मोटरसाइकिलों से। हाँ, और कौन कौन लोग थे? और तो पता नहीं सर, ये दो थे। कौन कौन? ये भाई उन्होंने ये जो बंदर। हाँ, तो इनको बताया, बोले गाड़ी बोले उधर खड़ी हुई है अपनी, बोले चलो। इस कारण दीपक तंवर सर। तो इधर से तो मेरा हाथ कैसा पकड़ा तुमने? हाथ पे मार दिया था मेरा चाकू। तो फिर तुमने छीन के तुमने उसे तो उसका चाकू फिर मैंने उसको घोद दिया। घोद दिया, पता नहीं सर आठ तक जने थे बाकी। इसकी एक पुराने मर्डर केस में राजू बाउंसर नाम का लड़का जो गत वर्ष उसकी हत्या बड़वान हुई थी उस केस में पेशी थी, उसमें दीपक नाम का लड़का गवाही देने गया था। ये राजू बाउंसर नाम के जो मर्डर हुआ है उसमें जो आरोपी हैं ये हमारे राहुल दगड़ू के दोस्त थे, वो आरोपी थे। तो राहुल दगड़ू ये चाहता था कि गोपाल दीपक पिता गोपाल तंवर ने उस केस में गवाही क्यों दी, उसको चमका रहा था दो चार महीने दो महीने से। इसी बात को लेकर के वो राहुल उर्फ दगड़ू जो जिसकी हत्या हुई है वो इसको चमका रहा था दीपक को कि तूने उसमें गवाही क्यों दी और तेरे अन्य साथियों के ना गवाही देने नहीं जाए, नहीं मैं तेरे को निपटा दूंगा। इसी बात की रंजिश थी, इसी बात को लेकर दीपक ने उसकी हत्या की है। उसके साथ में उसके साथ में जो लोग गए थे मोटरसाइकिल चोरी की भी उनके ऊपर शंका थी, उसको लेकर के शिबू कंडेरा पुष्पेंद्र राजपूत शुभम ये लड़के सब मिल करके उसको गए थे। वहां पर दीपक नाम के लड़के ने उसकी हत्या की है और दीपक को हमने गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ और कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? अब ये तो गिरफ्तारी की बात बाद में चलेगी, एक दूसरे से हम कंप्लेंट पूछेंगे कौन कौन लोग साथ में थे, उस आधार पर मुलजिम बढ़ते जाएंगे जैसा भी होगा, आगे की स्थिति विवेचना में स्पष्ट हो पाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।